हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सपोर्ट ब्लॉकर्स को कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। अगर आपने अभी तक के ट्यूटोरियल्स फॉलो किए हैं तो आप ऑलमोस्ट स्लाइसिंग सीख चुके हैं एंड आप ऑप्टिमली ऑब्जेक्ट को स्लाइस कर सकते हैं। अगर आप न्यू हो इस वीडियो पर तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे लास्ट वीडियो ऑन सपोर्ट्स देखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स कंटिन्यू। तो आज के हमारे वीडियो ट्यूटोरियल का टॉपिक है सपोर्ट ब्लॉकर्स एंड पर मॉडल सेटिंग्स। हम स्टार्ट सपोर्ट ब्लॉकर से करेंगे। जिन्हें नहीं पता, स्लाइसर सॉफ्टवेयर की तरफ से एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है जो मिड एयर पार्ट्स को नीचे से होल्ड कर सके। इन्हें सपोर्ट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। कभी कभी ये सपोर्ट्स अननेसेसरी जगह पे क्रिएट होते हैं एंड कभी कभी ये ऐसे जगह पर होते हैं जहाँ से निकालना इनको बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग साबित हो सकता है। इन्हें हम मिनिमाइज कर सकते हैं थ्रू वेरियस ऑप्शंस, जैसे हमने सपोर्ट्स की वीडियो में देखा था। पर हम सपोर्ट्स को टोटली ऑफ भी नहीं कर सकते जहाँ पर उनकी ज़रूरत हो। इन केस में सपोर्ट ब्लॉकर का यूज़ आता है जिसे हम सर्टेन एरिया में सपोर्ट जनरेशन रोक सकते हैं। सबसे पहले हम स्लाइसर में मॉडल को इंपोर्ट कर लेंगे। मॉडल पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट पैनल एक्टिवेट हो जाता है। इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन है सपोर्ट ब्लॉकर्स। इस ऑप्शन पर होवर करेंगे तो हम सपोर्ट ब्लॉकर के आगे ई लिखा हुआ दिखेगा। ये शॉर्टकट बटन है टू क्रिएट सपोर्ट ब्लॉकर्स। ये काफ़ी हैंडी आता है जब मल्टीपल सपोर्ट ब्लॉकर्स लगाने हो एंड इसे यूज़ करते करते आपको ये शॉर्टकट ईजी लगेगा। सपोर्ट ब्लॉकर्स को क्लिक करने पर हम मॉडल पे किसी भी पार्ट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट क्यूब क्रिएट होता है। मल्टीपल क्रिएट करने के लिए आप मॉडल पर अलग जगह पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक ब्लॉकर क्रिएट होगा। ऐसे ही हम मल्टीपल ब्लॉकर्स लगा सकते हैं। अगर कोई सपोर्ट ब्लॉकर एक्स्ट्रा हो गया तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। बस इस ऑप्शन से बाहर क्लिक या एस्केप दबाइए एंड फिर वो क्यूब पर क्लिक करके डिलीट प्रेस कीजिए या फिर राइट क्लिक करके डिलीट कीजिए। ये क्यूब जहाँ पर भी हो वहाँ पर सपोर्ट जनरेट नहीं होंगी। इन्हें वहीं पर प्लेस करें जहाँ पर सपोर्ट्स की ज़रूरत ना हो। इस क्यूब को हम ऊपर दिए हुए टूल से स्केल एंड ओरिएंट कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली उतना ही एरिया कवर करेगा जहाँ पर सपोर्ट्स नहीं चाहिए। और अगर मल्टीपल क्यूब्स है तो उन्हें भी ऐसे ही कर सकते हैं। और इन्हें फुल बेल प्लेट से लेकर मॉडल सरफेस तक स्केल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि फुल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स ब्लॉक करें नहीं। इन्हें हम सिर्फ ऑब्जेक्ट सरफेस पर ही लगाएंगे। ये सपोर्ट ब्लॉकर्स लगाने के बाद हम स्लाइस करके प्रीव्यू ज़रूर देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। कभी कभी ये माइन्यूट सी जगह रह जाती है जहाँ पर सपोर्ट जनरेट होते हैं तो वापस से क्यूब को एडजस्ट करके वहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। अब ये हो गया सपोर्ट ब्लॉकर्स का यूज जहाँ पर सपोर्ट जनरेशन नहीं करना। ये तो हो गया नॉर्मल पार्ट। अब इसके इंटरेस्टिंग स्पेशल फीचर्स देखेंगे जो है पर मॉडल सेटिंग्स। ये फीचर एक्सेस करने के लिए सपोर्ट ब्लॉकर्स के ऊपर ऑप्शन है। इस ऑप्शन का नाम पर मॉडल सेटिंग्स है। इस पर क्लिक करने पर हमें चार और बटन दिखेंगे। होवर करके देखेंगे तो ये है। फर्स्ट है नॉर्मल मोड, प्रिंट एज सपोर्ट, मॉडिफाई सेटिंग्स फॉर ओवरलैप, डोंट सपोर्ट ओवरलैप्स। फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल मोड जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। उसके नीचे हम सिलेक्टेड सेटिंग्स ऑप्शन मिलेंगे। इसको क्लिक करते ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और सारे हमारे सेटिंग्स राइट पैनल में होते हैं वो दिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मेन ऑप्शन का नेम है पर मॉडल सेटिंग। इसका मतलब हर मॉडल के लिए सेटिंग जनरली हम एक टाइम पर ही ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं, बट अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है बिल्ड प्लेट पर तो फिर ये डायलॉग बॉक्स से हम सिंगल मॉडल की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो ये जो डायलॉग बॉक्स है ये इस मॉडल को अफेक्ट करेगा। जो बॉक्स हम टिक करेंगे वो सेटिंग्स बाहर दिखने लगेंगी एंड वो हम मैन्युअली वैल्यूज डालकर फिर चेंज कर सकते हैं हर मॉडल के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट एज सपोर्ट। ये ऑप्शन से जो हमारा सिलेक्टेड मॉडल है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सपोर्ट स्ट्रक्चर्स। यस, भले ही ये किसी प्रिंट भी पार्ट का ओवरहैंग को सपोर्ट नहीं करता, क्यूरा इसे एज ए सपोर्ट स्ट्रक्चर ट्रीट एंड प्रिंट करेगा। यही ऑब्जेक्ट को हम स्लाइस करेंगे तो हम देख सकते हैं एज ए सपोर्ट स्ट्रक्चर्स प्रिंट हो रहा है। ये सेटिंग्स कस्टम सपोर्ट डिज़ाइन के लिए काम आता है।
सपोज आपने मॉडल बनाया है एंड कस्टम सपोर्ट डिज़ाइन किया है, स्पेशली इसके लिए कस्टम सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, बट स्लाइस करते वक्त क्यूराई से नॉर्मल मॉडल ही कंसिडर करेगा जब तक हम इसे प्रिंट एज अ सपोर्ट नहीं करते। सो ये सेटिंग्स ऐसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट एंड प्रॉब्लम मोस्ट यूज सेटिंग है मॉडिफायर सेटिंग्स फॉर ओवरलैप। जैसे इसके नेम में ही है, जहाँ पर भी ओवरलैप्स है वहाँ सेटिंग्स को मॉडिफाई करता है। इससे आपको पहले से ही कुछ सेटिंग्स दिखेंगे और लास्ट है सिलेक्टेड सेटिंग्स। इस पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये सिमिलर डायलॉग बॉक्स है फर्स्ट ऑप्शन जैसा। इसमें जो सेटिंग्स चाहिए वो ऊपर बॉक्स में सर्च भी कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद वो बाहर विजिबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इनफिल करा लेंगे, बाहर हमें इनफिल 20% है और इस मॉडिफाइड सेटिंग्स को ओवरलैप में हमें इनफिल 100% रखेंगे एंड स्लाइस करेंगे तो देखेंगे यस ये वर्क कर रहा है। ऐसे ही हम डिफरेंट सेटिंग्स यूज कर सकते हैं फॉर ओवरलैप्स। नेक्स्ट ऑप्शन है डोंट सपोर्ट ओवरलैप्स। इस ऑप्शन से हमारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट सेम सपोर्ट ब्लॉकर जैसा वर्क करेगा, मीन्स ये जहाँ पर भी प्लेस होगा वहाँ पर सपोर्ट जनरेट नहीं होगी। इस ऑप्शन को बेस्ट इससे नोटिस करोगे। जब हम सपोर्ट ब्लॉकर क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यही ऑप्शन सिलेक्टेड होता है। और एक चीज़ से हम नोटिस कर सकते हैं, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में जो ऑब्जेक्ट लिस्ट दिखता है वहाँ पर हम सपोर्ट ब्लॉकर एज ए इरेजर दिखेगा, उसके आगे सपोर्ट ब्लॉकर का आइकॉन होगा। सेम जब हम किसी मैश या इम्पोर्टेड ऑब्जेक्ट को डोंट सपोर्ट ओवरलैप में कन्वर्ट करते हैं तो उसके आगे भी सेम आइकॉन क्रिएट होता है एंड विजुअली ऑब्जेक्ट भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। सो गाइज ये था वीडियो रिगार्डिंग सपोर्ट ब्लॉकर्स। प्लीज़ इसे शेयर और लाइक ज़रूर कर देना एंड अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिल जाए और हम ऐसे ही और कंटेंट बनाते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रिंटिंग।